और भाई क्या चल, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिगर इंसान और हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिगर इंसान के बारे में। ट्रिगर इंसान अपने ट्विटर पर लाइव चैट कर रहे थे, उनके साथ लोकेश कटारिया और भी बड़े बड़े यूट्यूबर उनके साथ बातें कर रहे थे, रैंडम सेना वगैरह वगैरह बहुत सारे यूट्यूबर लाइव चैट कर रहे थे। तो उसी लाइव चैट में ट्रिगर इंसान ने एलविस यादव का थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि एलविस की जो ऑडियंस है वो विजय की ऑडियंस से काफी ज्यादा बड़ी है, और अगर फिर भी मैं अपने भाई का सपोर्ट नहीं करूंगा तो इससे बुरा क्या होगा। तो इसके जवाब में लोकेश कटारिया उन्हें जवाब भी देते हैं, तो आप छोटा सा वीडियो देख लो। ज्यादा ऑडियंस है तो क्लियरली अभिषेक से बहुत ज्यादा ऑडियंस है एल्विश के पास, ठीक है, तो उसमें मे बी वो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से मैंने ये जरूर बोला कि भाई एज अ ब्रदर मेरे जितने बस की होगी मैं वोट करवाऊंगा, बट ऑब्वियसली उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को एल्विश से कोई प्रॉब्लम है। भाई मैंने पहले भी स्ट्रीम पे बात बोली थी कि एल्विश ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करा, और मुझे जेन्युइनली एल्विश बंदा अच्छा लगता है, क्योंकि अभिषेक ने उसकी पीठ पीछे तारीफ करी थी, जो कि बहुत रेयर होता है, कभी कोई पीठ के पीछे जाके किसी की तारीफ नहीं करता। भाई चलो निश्चय भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। मैं भाई को ड्रॉप करने गया था बॉम्बे जब एंट्री होती थी, तो पता इसने क्या बोला था, अपनी मम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने अपने धंधे की यूट्यूब जो भी है भाई, उसने मेरे को बात बोली थी, अंदर जाके तो देखियो जो अभिषेक कोई दबा रहे ना, कई लोग मैंने नाम लिया था उन्होंने किसी भी लड़ाई वड़ाई में, कर ऐसा शील्ड खड़ा रहूंगा, बड़ा भाई छोटा भाई कुछ भी कर, हाथ लगा के दिखा दो हमारे छोरे को, ये उसके वर्ड। भाई बाय गॉड, मैं तुम्हें एक चीज सच बताऊं, अभिषेक प्रोबेबली शो क्विट कर देता, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, अगर एल्विश नहीं जाता वो पक्का शो क्विट कर देता, क्योंकि प्रोबेबली एल्विश की एंट्री से एक वीक पहले तक वो अकेला पड़ चुका था, शायद सिर्फ मनीषा थी उसके साथ, उसके अलावा लाइक एवरीबडी वॉज अगेंस्ट हिम, बट जब एल्विश गया ना वो एक्चुअली में खुला, फिर से उसने बोलना स्टार्ट किया, वो वरना बिल्कुल ऐसा सैड सैड सा दिखने लग गया था, मेरी मम्मी ने ये बात खुद बोली है। तो मैंने तो सच बता रहा हूँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसे मतलब फैन बेसिस के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई वगैरह होने लग जाएगी। बाकी भाई मैं अपनी तरफ से ये मैसेज पूरा क्लियर कन्वे कर दूंगा कि भाई वोटिंग अलग होती है, बट कभी भी किसी एक को सपोर्ट करने के लिए हमें दूसरे को हेट देनी जरूरी नहीं है। तो आई विल मेक श्योर कि पांडा गैंग जो भी है उनकी तरफ से कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। गाइस जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि एल्विश यादव ने सिस्टम वर्ड का ट्रेंड चला रखा है, बट सिस्टम वर्ड वाले लड़के होते कैसे हैं ये देख लो आप इस वीडियो में, जो कि हर्ष बेनीवाल और उनके दोस्त फाजिल पुरिया ने बनाया। हाँ गाइस, मैं इसका साउंड तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो गाइस इस सिस्टम वर्ड के साथ हर्ष बेनीवाल ने एल्विश यादव को सपोर्ट किया। बाकी आप किसे सपोर्ट कर रही हो बिग बॉस में कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद वंदे मातरम।